फ्रेंड्स, आप तमाम साथियों का हमारे बेंजोगुल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने ये इफ़ेक्ट लेकर आए हैं। ये देखिए, इसको हर बेंजो प्लेयर यूज़ करते हैं। इसका नाम है DD3 और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। पहली बात तो ये आवाज़ बेंजो की आवाज़ को बड़ा स्वीट करता है, बहुत बहुत प्यारा निकालता है साउंड को, आवाज़ को मीठा करता है। और साथ साथ ऐसे ऐसे गानों में ये मदद भी करता है। जैसे अभी हमने जो गाना आपको सुनाया, दिल में हो तुम, इस तरह के गाने में इसका बहुत हमको हेल्प मिलता है, बहुत ही मदद इससे मिलती है। अब देखिए, इस म्यूज़िक पार्ट को हम बजाएंगे इस इफ़ेक्ट के माध्यम से, जो बहुत खूबसूरत लगेगा। और वो जो पार्ट है, उसका जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को ये मशीन जो है DD3, ये जो इफ़ेक्ट है, ये टाइमिंग उस पार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। जैसे आपको क्या करना है, ये देखिए DD3 है, ये आउटपुट है, इनपुट है, आप देख रहे हैं, ये मशीन में जाता है, ये आपके बेंजो में ये लगा हुआ है। इस तरह से आपको सेट करने के बाद इसका ये अडाप्टर इसमें लगा हुआ है। अब आपको इस पार्ट को बजाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये गाना किस टेम्पो में है। तो पहले आप टेम्पो को समझ लीजिए कि क्या टेम्पो उसका है। तो उस टेम्पो को में करने के लिए ये इफ़ेक्ट आपको कैसे सेट करना है। जैसे चल रहा है टेम्पो आपका 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आपका रिदम चल रहा है, टेम्पो चल रहा है। अब इस टेम्पो को इस इफेक्ट से सेट कीजिए। कैसे करना है आपको, पहले तो हमने इसको ऑन कर लिया। अब देखिए, ये देखिए इसी टेम्पो पे ही आ गया आपका इफेक्ट। अब देखते हैं बजा के कैसा लगता है। आप सुन रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको जितना टेम्पो चाहिए था, उस टेम्पो में ये इफ़ेक्ट कितना आपको हेल्प कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे अगर आप इसको इफ़ेक्ट को सेट कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, इस पिक से आपको एक ही बार इस पार्ट को बजाना है। कैसे, ये देखिए, ये आपका पार्ट बज गया। सेकेंड में क्या बचता है, अच्छा ये आपका पार्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है इस इफेक्ट के माध्यम से, और आपका टेम्पो में भी बज रहा है। तो अब आपको एक चीज़ मैं समझाता चलूं कि ये जो टाइमिंग, डिले टाइमिंग जो है, इसको कितना रखना है, इसका पॉइंट, इसका जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट है, ये इको लेवल यहाँ पे है, फीडबैक है, और ये डिले टाइमिंग है ना। तो इसको आपको कितना पे रखना है जो टेम्पो में आपका सेट कर जाए। देखिए, इको लेवल हमने रखा है कहाँ पे, ये देखिए सीधा ELE,
ई के सामने इस पॉइंट को हमने रखा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ई एल ई, ई के सामने आपको इस पॉइंट को रखना है। उसके बाद फिट बैक, फिट बैक जो है एफ बी ए, इसको आपको ए के सामने रखना है, ये देखिए ए के सामने इसको रखिए। उसके बाद डिले टाइमिंग, यहाँ पे डी टाइम लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करना है, आपको इसको ठीक टाइमिंग टी जो है ना, टी के सामने इसको आप रखिए, तो आपका जो रिदम का जो टेम्पो है उस टेम्पो में ये आराम से बहुत ही अच्छा से ये खेलेगा, उसी टेम्पो में ये बजेगा। हमने आपको बताया इसका डीडी का सेटिंग कि आपको इस तरह से सेट करना है। म्यूजिक पार्ट का नोटेशन आप समझेंगे, ये हमारा सा हो गया 12वीं बटन, और यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा, ये असारी ठाट हो गया, सा नी धा पा मा गा रे सा, गा कोमल धा कोमल नी कोमल, बाकी अन्य स्वर शुद्ध हैं। तो ये असारी ठाट का ये आपका आरोह अवरोह हो गया। तो इस म्यूजिक पार्ट का नोटेशन क्या है, सा रे गा नी सा रे धा नी सा नी धा पा। तो इसमें जो है नी कोमल धा और प, कोमल नी कोमल धा और प, ये आपका मंद्र सप्तक का स्वर लग रहा है। तो इस पाठ का नोटेशन म्यूजिक में जो है ये लगा है, सारेगा पहला, दूसरा निसारे, तीसरा धनिसा, उसके बाद चौथा निधापा। तो इसको आपको बजाना कैसे है, इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। सुन रहे हैं कैसा लग रहा है। तो इस तरह से इस गाने के लिए ये आपका DD3 इफेक्ट जो है बहुत ही इस गाने में आपको मदद करेगा। तो और इसका सेटिंग इस तरह से आप देखिए, ऐसा सेटिंग करके बजाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, ख़ासकर इस गाने के लिए। और इसका तो खैर कहना ही नहीं है, ये बहुत सारे गाने में ये काम करता है, आवाज़ को बहुत स्वीट बनाता है, ये बहुत प्यारा आवाज़ इससे निकलता है, स्पेशल ये बेंजो के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा कि ऐसा इफ़ेक्ट रखा कीजिए DD3 और इसको लगा के बजाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और जो भाई नए नए बेंजो सीख रहे हैं, बेंजो सीखना चाहते हैं, पहले कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो लेकर आएं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।